हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल शक्ति फिटनेस। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है नाइटफॉल, यानी कि स्वप्न दोष के ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, पिछली वीडियो बनाई थी मैंने मैस्टरबेशन के ऊपर, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप मैस्टरबेट करते हैं तो आप कभी अपनी बॉडी नहीं बना सकते, और ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन उस वीडियो में मेरे को जो कमेंट्स आया, उन लोगों ने काफ़ी मेरे से क्वेश्चन पूछे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आपको बताता हूँ कि सर, अगर हम मैस्टरबेट हफ्ते में 2 या 3 बार नहीं करते तो हमारा नाइट फॉल हो जाता है एवरी वीक। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि सर हर दूसरे दिन, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरा रोज़ हो जाता है। तो यार, ये बड़ी चिंता वाली बात लगी मुझे कि टीनएज में किसी का हर हफ्ते और हफ्ते में 2 बार 3 बार नाइट फॉल हो रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। तो ये सोचने वाली बात थी। अगर समझ में आता है एक महीने के अंदर 1 या 2 बार हो तो वो नॉर्मल है, अगर आपका हर वीक हो रहा है तो इसका मतलब समझिए कुछ दिक्कत है आपके साथ में। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूँ, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको YouTube पे किसी ने भी इतनी डिटेल में और इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाया होगा। अगर इस वीडियो को आज आप पूरा एंड तक देखते हैं तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम विद इन 1 मंथ के अंदर खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों अभी नीचे जाएं, रेड कलर का बटन है दोस्तों, उसको जरूर दबा दें, और साथ में एक छोटी सी घंटी है उसको दबाना ना भूलें, दबा दो यार। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, एक बार आपको क्लिक करना है और उस घंटे को दबाना है। और साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सेम अकाउंट है रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, वहां जाइए फॉलो कीजिए। कोई भी फिटनेस क्वेरीज होती हो आप वहां मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, नाइट फॉल है क्या? बेसिकली जब आप रात को सपनों में, सोते हुए सपनों में कुछ अश्लील चीज़ें देखते हैं, तो आपका स्पर्म बॉडी से रिलीज हो जाता है, यानी कि स्पर्म निकल जाता है। और आप सपनों में क्या देखते हैं? मियां खलीफा, एक साइड मियां खलीफा, एक साइड सनी लियोनी, और उसके साथ साथ में बॉलीवुड की कोई आपकी चहेती स्टार भी आपके साथ हो सकती है, या तो आप उसको सपनों में किस कर रहे होंगे, या फिर कुछ भी आपके जो दिमाग में चलता है वो आप उसके साथ कर रहे होंगे। एंड जब आपकी आँख खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे साथ कुछ लोचा हुआ है, गड़बड़ हुई है। तो तब आपको पता चलता है कि आपका बॉडी से स्पर्म रिलीज हो गया एंड आपका अंडरवेयर बिल्कुल गीला मिलता है, उसे नाइट फॉल कहते हैं। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है? तो कारण इसका सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, जो लोग पोर्न मूवीज़ देखते हैं या फिर एडल्ट मूवी देखते हैं, या फिर जिनके 24 घंटे दिमाग में लड़कियाँ चलती रहती हैं, या फिर लड़कियों से टच करना है, उन्हें बात करना है, कोई भी आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको कोई हॉट सी लड़की दिखी, उन्हें शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है, कुछ हॉट कपड़े पहन रखे हैं, तो यार आप सोचोगे यार एक बार बस ये आ जाए मेरे पास किसी तरीके से, मैं इसकी बॉडी को टच कर लूँ, इसे छू लूँ। मतलब आपके दिमाग में जो लस्ट है ना, जो आपका ठरक है, आपके दिमाग में इतनी कूट कूट के भर जाती है कि आप उस लेवल तक चले जाते हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं है। और दोस्तों, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, ना तो वो मैस्टरबेट करते और ना ही वो पोर्न मूवी देखते, लेकिन फिर भी उनका नाइट फॉल हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो टीनेज होती है आपकी, 15 से 21 साल की उम्र होती है, उसके अंदर आपके हार्मोन्स बहुत ही एक्टिव होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में स्पर्म बनता है, तो बॉडी उसको एक टाइम तक होल्ड करती है, उसके बाद में रिलीज़ कर देती है क्योंकि उसे नया बनाना होता है। तो इस वजह से महीने में 1 या 2 बार होना बहुत नॉर्मल है। अगर दोस्तों नाइट फॉल अगर आपको रेगुलरली वीकली हो रहा है, या रोज़ हो रहा है, या हफ्ते में 2 से 3 बार हो रहा है, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर सब खत्म हो जाएगा, ऊपर से आपका जो फेस का ग्लो है वो टोटली खत्म हो जाएगा, और आपकी पूरी बॉडी में पेन रहने लगेगा, आई साइड तक वीक हो सकती है, और साथ में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी के अंदर आप कुछ भी खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, एक अच्छी डाइट के साथ में आपको 1 महीने के अंदर ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो क्या चीज़ें आपको पहले तो नहीं लेनी चाहिए? दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, अगर आपकी उम्र 15 से 21 साल के बीच में है और आप उस टाइम टीनेज है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये होती है स्वप्न दोष वाली प्रॉब्लम, तो उस टाइम आप टी जो होती है, चाय होती है, ज़्यादा चाय ना पिए, उसे अवॉइड करें, स्पाइसी ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा आप मसालेदार खाएंगे तो उससे भी आपकी नाइटफॉल में प्रॉब्लम होगी। उसके साथ में अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, या फिर आपको रात को सोने से पहले बिल्कुल गर्म दूध पीते हैं एंड गुड़ वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो भी गर्म चीज़ होती है रात को, तो उस चीज़ से भी आपका नाइट फॉल होने का चांसेस रह सकता है। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप खाएं तो आपकी जो नाइट फॉल वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए।
तो दोस्तों सबसे सिंपल और इजी चीज बताऊंगा, चीजें आपको बहुत सारी बताऊंगा जो आपकी डाइट में रहनी रहनी चाहिए। अगर आपकी डाइट में ये है तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और देखेंगे कि आपका बहुत ही जल्दी जो आपका नाइटफॉल होता है वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों टिप नंबर वन है कि आपको दो बनाना लेने हैं, उन्हें कट करना है, उसमें एक चम्मच आपको हनी मिलाना है, मिक्स करना है, उसे खा लेने हैं दो केले को जो आपने हनी मिलाया, और उसके साथ आपको 250 ml मिल्क यूज़ करना है ऊपर से। लेकिन जो मिल्क यूज़ करेंगे वो गर्म करने के बाद आपने ठंडा कर लिया हो, बिल्कुल गर्म दूध ना हो। तो इससे क्या होगा कि आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स और जितने भी आपको सारे ज़रूरी एंजाइम्स हैं आपकी बॉडी के अंदर मिल जाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें फाइबर भी होता है, तो ये जो डाइट होगी इससे आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर आप बॉडी के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। अगर आप रेगुलर इस डाइट को यूज़ करते हैं तो आपकी नाइट फॉल वाली प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको जिंक रिच फूड खाना है। इससे क्या होता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और आपके स्पर्म रिलीज होने को कंट्रोल करता है और आपकी मैन पावर को बूस्ट करता है। तो उसमें आप क्या चीज़ें ले सकते हैं, ओट मील बहुत ही बेस्ट है, ओट मील आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ में काजू, और उसके साथ में आप कोई भी सी फूड यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप मशरूम यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड विटामिन डी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है और आपकी स्पर्म रिलीज पावर को कंट्रोल करके रखता है। इसके अंदर आप ले सकते हैं अखरोट यानी कि वॉलनट आप ले सकते हैं, और आप ऑरेंज जूस इसके अंदर ले सकते हैं, उसके साथ साथ में आप टूना फिश ले सकते हैं, और आप सोयाबीन भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप ब्राउन राइस भी खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन, उस हार्मोन को बढ़ाकर आपके टेस्ट लेवल को बूस्ट करता है और आपकी स्पर्म रिलीज को कंट्रोल करके रखता है, जिससे आपके जो नाइट फॉल है स्वप्न दोष में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों मैंने आपको आज 3-4 चीज़ें टिप्स बता दी हैं, ये अगर आप डाइट में रखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज दी है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।